Class-8th, Chapter-6, X-square and X-square roots. We were reading exercise 6.4. Now question 2. Find the number of digit in the square root of each of the following numbers without any calculation. Okay, square root find karna hai without any calculation. Find the number of digit in the square root of each of the following. ठीक है, तो इनकी डिजिट की आप क्या बताना है, नंबर्स बताना है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 1, फर्स्ट पॉइंट इज 64. अभी देखिए, जैसे कि अभी अपन स्क्वायर रूट में जो अपन डिवीजन मेथड से जो सॉल्व कर रहे थे, तो उनके अपन पेयर बना रहे थे कि कितने पेयर बन रहे हैं. अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है 64 ना, फर्स्ट क्या है 64. अब 64 में क्या है कि इसका वन पेयर बनाएंगे. ठीक है, इसका वन पेयर बनाएंगे, तो ये वन पेयर ही बन रहा है ना, तो इसके आंसर में क्या जाएगा, वन डिजिट. ठीक है, अब इसका एक तरीका और है. ठीक है, यहाँ पे मैं और में राइट करती हूँ, 64 हाउ मेनी डिजिट, 2. ठीक है, अगर ये देखिए, अगर इवन नंबर आएगा, काउंट करने पे इवन नंबर आएगा तो राइट करेंगे एन अपॉन 2. ठीक है, अगर इवन आएगा, और अगर ऑड नंबर आता है काउंट करने पे तो n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, अगर इवन आएगा तो n अपॉन 2, ऑड नंबर आएगा तो n प्लस 1 अपॉन 2. ये किस तरीके से अब समझ आ जाएगा, इसमें कितनी डिजिट है, 2. काउंट करने पर मैंने क्या बताया, काउंट करने पर अगर इवन आती, काउंट करने पर 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर आएगा तो इसमें n की प्लेस से पुट कर देना 2 अपॉन 2, n की प्लेस पर 2, क्योंकि 2 डिजिट है अपने पास, एन अपॉन 2, 2 से 2 कट गए, कितना आ गया 1, तो आंसर 1 डिजिट. ये मैंने और में राइट किया, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट वन पेयर बना के 1 डिजिट, ये भी आंसर है, इस तरीके से करना होता ये भी आंसर, दोनों तरीके मैंने बता दिए. नाउ सेकेंड पॉइंट 144. ठीक है, अब इसका पेयर बनाइए, वन पेयर और यहाँ पे 1 डिजिट बच रही है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वन पेयर ये और वन ये, वन पेयर ये बन गया वन का, तो यहाँ पे 2 डिजिट. ठीक है, और काउंट करने पे मैंने क्या बताया, 2 मीन्स काउंट करने 1 2 3 डिजिट. अगर 3 डिजिट हैं तो और में किस तरीके से राइट करेंगे, 3 डिजिट ऑड हैं, 3 क्या है ऑड है, ओड है, तो ओड वाला फॉर्मूला क्या, एन प्लस 1 अपॉन 2, मीन्स एन की प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 1 4 अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4, आंसर कितना है 2, तब भी 2 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या राइट किया, 2 डिजिट. ओके, दोनों में से कोई सा भी आप राइट कर सकते हो. नाउ थर्ड क्या है, 4489. अब इसका पेयर बनाइए, वन पेयर टू पेयर, डायरेक्ट आंसर आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं, तो मीन्स 2 डिजिट. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट 27 225. तो अब इसके देखिए, इसके कितने पेयर बन रहे हैं, 27 225, ये वन पेयर बन गया, यहां से ये वन पेयर बन गया, तो यहां से ओनली 2 बचा है, तो कितनी 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 3 डिजिट. ठीक है, और हम इस तरीके से फॉर्मूले से राइट करके बता दें, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल टू 5 आया. ठीक है, मीन्स 5 डिजिट है और 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 अपॉन 2, एन प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 अपॉन 2, 5 और 1 कितना हो गया 6 अपॉन 2, 2 1 2 2 3 6, आंसर कितना आया 3, जैसे कि ये अपना डायरेक्ट करने पे आ गया, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर, कितना हो गया 3 डिजिट. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है, अब इसका देखिए, इसके कितने पेयर बने, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 डिजिट. ओके, क्वेश्चन 2 कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन 2 इसका कंप्लीट हो गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट
of the following decimal number. ये देखिए थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब इसमें कह लेंगे वन वन जा वन, क्योंकि टू से बिग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, टू टू जा फोर ज्यादा हो जाएगा तो अपन क्या लेंगे वन वन जा वन. ठीक है, अब टू माइनस करेंगे, टू में से वन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा वन. ठीक है, अब सेकंड पेयर क्या है 56. ठीक है, सेकंड पेयर क्या है 56. अब ये वन है, वन को यहाँ राइट करके कितना राइट कर देंगे टू, आंसर कितना आ गया टू. ठीक है, अब टू में ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना आ जाए, कितना आना चाहिए. ठीक है, 156 आना चाहिए, तो 2 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे. अभी देखिए आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 6 आ रहा है. ठीक है, कौन कौन सी टेबल के लास्ट में 6 आता है, किस किस डिजिट के, 4 4 16. ठीक है, एंड 6 36. ठीक है, अब 2 में पहले 4 4 16 आता, तो 4 रख के देखें, 4 4 16 1 के लिए, 4 2 8 और 1 9 अभी नहीं आ रहा है, स्मॉल डिजिट हो रही, तो अपन राइट करेंगे 6, क्योंकि 6 के लास्ट में भी 6 आता है, 6 6 36 होती है ना, इस तरीके से 6 6 36, 3 6 2 12, 12 और 3 15. ये देखिए 6 राइट करने पे आ गया, तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 6 6. वन पेयर के पहले पॉइंट है, तो वन पेयर के पहले पॉइंट लगा दिए, वन डिजिट के बिफोर कितना आ रहा था आंसर 156, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो अपना आंसर कितना आ गया 1.6. ओके, इसी तरीके से राइट करते हैं. अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट था, अब देखते ना सेकंड पॉइंट है 7.29. अभी देखिए वन पेयर ये बन गया और इसका पेयर बना लिया, ओनली 7 ओनली डिजिट है अकेली. अभी देखिए 2 2 4 लेंगे, स्मॉल डिजिट आ रही, 5 5 25 ज्यादा, 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4, 3 3 9 लेंगे तो 7 से ज्यादा हो गया, तो अपन को लेना पड़ेगा 2 2 4, माइनस करेंगे तो 7 में 4 माइनस करेंगे कितना आ गया 3. जैसे कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से, बस इसमें पॉइंट लगा हुआ है. ठीक है, अभी 2 यहाँ राइट कर देंगे तो ये कितना आ गया 4. अब ये सेकंड पेयर राइट करेंगे. ठीक है, सेकंड पेयर राइट किया, अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कि 329 आ जाए. 9 किसके लास्ट में आता है, एक 3 3 9 आता है, उससे आ नहीं सकता, तो अपन लेंगे 7. 7 7 49, इस लास्ट में 9 आता है, तो 4 7 राइट करेंगे बोथ साइड, 7 7 49, 4 के लिए 7 4 28, 28 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32. ओके, आंसर आ गया ना, तो 7 राइट करने पे कितना आया 329, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा. ठीक है, वन पेयर है तो वन डिजिट के बिफोर पॉइंट, आंसर 2.7, आंसर कितना आ गया अपना 2.7. अब थर्ड पॉइंट देखिए 51. अभी देखिए यहाँ से 2 2 के पेयर बना लेंगे, ये वन पेयर हो गया, ये वन पेयर हो गया. ठीक है, अब 51 से बिग नहीं होना चाहिए, 7 7 49, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49. अब ये वन है, वन में से तो 9 माइनस होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 11. 11 में से 9 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2. ठीक है, और 4 बचा, 4 में से 4 कुछ नहीं. अब नेक्स्ट पेयर क्या है, नेक्स्ट पेयर कितना है इसका 84, तो यहाँ पे क्या राइट कर लिया 84. ठीक है, अब यहाँ पे 7 है, इस 7 के यहाँ राइट करेंगे, 7 7 कितना हो जाएंगे 14. अब इसमें 2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और वन पेयर के पहले पॉइंट लगाना है अपन को, तो कितना आ गया आंसर 7.2. फोर्थ पॉइंट 31.36. ठीक है, इसी तरीके से 2 पेयर बना लिए. ठीक है, 5 5 25, 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6, 2 बचा, 2 में से 2 माइनस करेंगे कुछ. नेक्स्ट पेयर क्या है 36. ठीक है, 36 है, अब यहाँ पे ये 5 प्लस कर देंगे कितना आ गया 10. अब 6 लाना है, तो 6 6 36 होता है, मीन्स लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 36
136 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो जीरो बचेगा, आंसर कितना आ गया 5.6। मीन्स वन पेयर के पहले अपन को पॉइंट लगाना है, आंसर आ गया 5.6। ओके, फिफ्थ पॉइंट कंप्लीटेड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड।